पंडित जी, बहुत सारे लोग दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की तो पूजा करते ही हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, उसको करने का कारण क्या है और उससे कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी? अर्पिता, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि छोटी दीपावली पर यानी नरक निवारण चतुर्दशी पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जी का जन्मोत्सव मानते हैं, इसीलिए हनुमान जी की पूजा भी दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ की जाती है। अगर आप दीपावली की मध्य रात्रि को हनुमान जी की पूजा करें तो उससे आपको विशेष तरह के फायदे हो सकते हैं। जैसे दीपावली की मध्य रात्रि को अगर आप पूजा करें तो आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, आपके शत्रु और विरोधी शांत हो सकते हैं, मुकदमेबाजी और वाद विवाद के झंझट से आप मुक्त हो सकते हैं। तो दीपावली की मध्य रात्रि को आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और सबसे सरल तरीका यह है कि 7 times अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा दीपावली की मध्य रात्रि को। दूसरा तरीका यह है, अगर शत्रु विरोधी मुकदमों आदि से परेशान हैं तो हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का जप भी आप हनुमान जी के सामने कम से कम 11 माला अगर करते हैं तो किसी भी तरह के केस मुकदमे से, किसी भी तरह के झंझट से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। और दीपावली की मध्य रात्रि को हनुमान जी की पूजा करके आप अपने शत्रु और विरोधियों की बाधा को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, दिवाली की रात्रि को धन प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करने चाहिए? देखिए, जो समय हमने आपको बताया कि रात में 11:38 के बाद का समय है महानिशीत काल का, तो रात में 11:38 से लेकर लगभग 2:30 के बीच में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग होगा? एक भोजपत्र या एक पीला कागज ले लीजिए, एक नया पीला कागज या एक भोजपत्र आप ले लें। ये भोजपत्र या कागज का टुकड़ा चौकोर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। इस पर एक नई लाल कलम से एक मंत्र लिखिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। फिर से नोट करिए, मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। अब इसको एक पीले कागज पर लिख करके माता लक्ष्मी के चरणों में रख देंगे, माता लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे। इसके बाद इसी मंत्र का 11 माला जप करेंगे, 11×108 और मंत्र जप करने के बाद इस भोजपत्र को या इस कागज को अपने धन के स्थान पर रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से दीपावली पर पर्याप्त धन प्राप्ति का वरदान आपको प्राप्त होगा और पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी, धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। दिवाली पर कैसे करें मंत्र तंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, पंडित जी ये भी समझाइए।
अर्पिता दीपावली पर बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र के प्रयोग करते हैं, अपने सुख के लिए नहीं करते, दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं, यानी उनके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर हो जाता है। इसको परमानेंटली कैसे काटेंगे, कैसे हटाएंगे? देखिए, दीपावली की रात को अपने पूजा स्थान पर एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। एक शुद्ध सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक आप दीपावली पर पूजा स्थान पर जलाइए। इसके ऊपर एक और दीपक तिरछा करके रख दीजिए ताकि जो दीपक है वो जलता रहे। रात भर दीपक को जलने दीजिएगा। इसके अंदर काले रंग का काजल जम जाएगा। इस काजल को सुरक्षित रख लें। महानिशा की रात को बना हुआ काजल है ये। नियमित रूप से इस काजल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप हर तरह के तंत्र मंत्र से और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेंगे। बच्चों के सर के किनारे लगा दिया या पुरुष महिला अपने कान के पीछे जरा सा ये काजल लगाते रहेंगे तो उनके ऊपर किसी भी तरह के तंत्र मंत्र का, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। ये जो काजल है आप ज्यादा भी बना सकते हैं और इसको अगले एक साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। एक साल तक ये बिल्कुल ठीक काम करता है और आप चाहें तो कहीं भी आपको लगे कि वहां जाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या वहां के लोग बड़े निगेटिव हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो जरा सा ये काजल अपने कान के पीछे लगा करके जाइएगा। आप किसी भी तरह के निगेटिव एनर्जी से, नजर दोष से और तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे। पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं जिनका पूजा का स्थल उस तरीके से नहीं बना होता है जिससे आपने ईशान कोट का जिक्र किया, या इस जगह नहीं है जहां करना चाहिए, और दिवाली की पूजा आपने कहा एक खास तरीके से एक खास जगह पर करनी चाहिए। तो क्या जो आपका पूजा स्थल है आपको वहीं पर वो पूजा आप कर सकते हैं, कुछ वहां पर उपाय करके जो वो स्थल भी आपके लिए भाग्यशाली हो जाए, या दिशा का बहुत महत्व है? देखिए, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में इतनी ज्यादा जगह तो होती नहीं है, तो पूजा स्थान आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से बना देते हैं। कुछ लोग दीवार पर ऊपर लगा देते हैं मंदिर, नीचे बैठ के पूजा कर लेते हैं। दीपावली की पूजा आप विशेष स्थान पे, जैसे आपके घर में पूर्व दिशा मान ली आपके डाइनिंग एरिया में आ रही है या आपके लिविंग एरिया में आ रही है, तो आप साफ सफाई करके सही जगह पे पूजा करें। हालांकि फ्लैट में दिशा का मतलब नहीं होता है। पूजा आप अपने फ्लैट में जहां आप आराम से चीजों को अच्छी तरह से रख के पूजा कर सकें, कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूरब की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो, अगर आप ऐसा करके डाइनिंग एरिया में कर लें, लिविंग एरिया में कर लें, जमीन को साफ करके वहां बैठ के पूजा कर लें और रात भर वहां दीपक जलने दें, रात भर चीजों को वहां रहने दें। अगले दिन सुबह उन मूर्तियों को उठा करके जहां आपके घर में पूजा स्थान बना हुआ है वहां पर आप स्थापित कर सकते हैं। वैसे जब आप दीपावली की पूजा करते हैं, दीपक की पूजा करते हैं और दीपक घर में लगाते हैं, तो घर के हर कोने में एक दीपक लगाया जाता है, कमरों में लगाया जाता है, बाथरूम में लगाया जाता है, पूजा स्थान पर लगाया जाता है, लिविंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में, रसोई में। उन दीपकों को लगाने का मतलब ये है कि पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो, पूरे घर में खुशियां आए, प्रकाश आए, खुशहाली आए। तो अगर आप अपने घर में कहीं भी सही तरीके से बैठ करके किसी भी जगह पे पूजा करेंगे तो पूजा के परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारे लोग जो जैसा आपने कहा कि शुभ तो है कि मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी जी का इस्तेमाल आप करें, और इससे पहले जो आपने पूर्व दिवाली में मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी जी रखे हैं, नियम क्या कहते हैं, उनको किस तरह उनकी पूजा करनी है, मंदिर से कैसे उनको हटाना है या उनकी जगह उनको प्लेस करना है नए भगवान जी को, ये क्या तरीका, किस विधि के हिसाब से करना चाहिए? देखिए, दीपावली पर मुख्य जो पूजा होती है वो संध्या में सूर्यास्त के बाद होती है जी।
तो सूर्यास्त के पहले आप अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए, पुरानी जो मूर्तियां हैं उनको हटा करके फिलहाल अपने घर की बालकनी में या कपड़े में लपेट करके घर के बाहर कहीं सुरक्षित रखिए, फेंकिएगा नहीं। और जब दीपावली की पूजा हो जाए अगले दिन आप नई मूर्तियों को स्थापित करें, पुरानी मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर दें, जल में विसर्जन कर दें। अब बहुत सारी जगहें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसी भी हैं जहां नदी नहीं है, तो वहां क्या करेंगे, वहां पर आप जमीन खोद करके उन मूर्तियों को मिट्टी में दबा दीजिए, लेकिन मूर्तियों को इधर उधर उल्टे सीधे तरीके से नहीं फेंकेंगे। तो जो मुख्य पूजा दीपावली की होनी है उसके पहले पुरानी मूर्तियों को या जो पुराने चित्र खराब हो गए हैं उन चित्रों को आप हटा दें तो बेहतर होगा। अगर आपके पास चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं तो दीपावली की मुख्य पूजा करने के पहले उन्हें गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लें, तिलक वगैरह लगा लें और फिर उसी मूर्ति को आप नई तरीके से पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, पूजा के वक्त बहुत सारे और भी भगवान होते हैं जिनकी हम लोग पूजा आराधना दीपावली के दिन समझ आता है कि आपको और भगवान जी भी हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए या सिर्फ लक्ष्मी गणेश की करनी चाहिए, बगल में शिव जी भी हैं तो क्या उनको भी टीका लगाना चाहिए, उनकी भी जल गंगा जल छिड़कने चाहिए? देखिए अर्पिता, दीपावली पर मुख्यतः भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि जो घर का मंदिर है वहां पर आप बहुत ज्यादा देवी देवताओं की भीड़ इकट्ठा मत करिए। हाँ, लेकिन आपने शिव परिवार रख लिया है, आपने राम दरबार रख लिया है, आपने भगवान गणेश लक्ष्मी रख लिए हैं, हनुमान जी की भी स्थापना कर ली है, यानी बहुत ज्यादा मूर्तियां या चित्र मत रखिए, थोड़े से ही देवी देवता के स्वरूपों की स्थापना करिए। जब आप पूजा उपासना शुरू करेंगे, जब आप पूजा उपासना आरंभ करेंगे तो सबसे पहले पूजा तो देखिए भगवान गणेश की ही होती है, तो आप भगवान गणेश को तिलक लगाएं, उनकी पूजा करें, फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें और भी जो देवी देवता हैं उनको भी तिलक लगाएं, उनको भी पुष्प अर्पित करें, उनकी भी पूजा करें। लेकिन मुख्यतः आपको गणेश जी के मंत्र का जप करना, माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करना और माता लक्ष्मी की आरती करना ही जरूरी होगा। आप दीपावली के पर्व पर किसी अन्य देवी देवता की आरती नहीं करेंगे, दीपावली के पर्व पर मुख्य पूजा माता लक्ष्मी की है, आप उनकी आरती करें और सभी देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाएं, सबको तिलक लगाएं, सबको नमस्कार करें और सबसे प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा बनाए रखें। लेकिन मुख्य पूजा जो होगी वो भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की ही की जाएगी। पंडित जी, ऐसी मान्यता है कि दिवाली के दिन धन किसी को देना, किसी को दान करना शुभ नहीं होता है, क्या ऐसा करना चाहिए, शुभ होता है नहीं होता है, पैसा आप लेन देन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं? अर्पिता, लोगों का ऐसा मानना है कि दीपावली के दिन आप किसी को पैसा मत दीजिए, क्योंकि पैसा देने से लक्ष्मी चली जाएंगी, ऐसा लोगों की एक मान्यता है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं होता। देखिए, दीपावली का दिन आपके पर्व और त्योहार का दिन है, बड़ा पवित्र दिन है और दीपावली के दिन अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं, धन का दान करते हैं, अन्न वस्त्र का दान करते हैं, दीपावली के लिए उसे पटाखे, मिठाइयां, कपड़े, ये सब आप दान करते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं, तो ये तो बहुत ही शुभ है। दीपावली पर किसी की भी सहायता करेंगे आप, ऐसा काम करें जिससे दूसरे का घर रोशन हो, दूसरे के घर में प्रकाश आए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दीपावली पर संध्या काल में जब आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा कर लें, उसके बाद अगर आप दीपावली पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो वो और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, बहुत सारे लोग धनतेरस में कुछ सामान खरीदते हैं, तो क्या दिवाली वाले रोज जब आप पूजा कर रहे हैं तो उन सामानों को रखना चाहिए और उसका उपयोग कब से कर सकते हैं फिर? अर्पिता, धनतेरस पर आप जो भी चीज खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, मूर्तियां खरीदते हैं, नई नई चीजें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, घड़ियां वगैरह आप खरीदते हैं,
और उन चीजों को ला करके अपने पूजा स्थान पर रख देना चाहिए। दीपावली पर जब आप पूजा कर रहे हैं तो धनतेरस पर खरीदी गई चीजें आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को समर्पित करनी है, उनको अर्पित करनी है। तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को ये चीजें आप अर्पित कर देंगे, उसके बाद पूजा हो जाएगी। रात भर ये चीजें वहीं पूजा स्थान पर सुरक्षित रखिएगा, सावधानी से रखिएगा, और दीपावली के अगले दिन इन वस्तुओं का प्रयोग आप करना शुरू कर सकते हैं। जो भी धनतेरस पर आप चीजें लाते हैं उन चीजों को आप दीपावली के अगले दिन से प्रयोग करना निश्चित रूप से आरंभ कर सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।